तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि फाइनली इंटर का डेमी एडमिट कार्ड आज डाउनलोड हो रहा है। आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी स्टूडेंट डाउनलोड करना चाहते हैं इंटर का डेमी एडमिट कार्ड, आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अपना खुद इंटर का डेमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको किसी भी वेब ब्राउजर पर जाकर के ओपन करना है। तो हमने यहाँ पे सर्च किया है गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम पे आपको जाकर के सर्च करना है सीनियर सेकेंडरी। तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी हमने यहाँ पे सर्च कर रखा था सीनियर सेकेंडरी डॉट बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम, तो इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसा ही इंटरफेस होगा ओपन, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इंटर का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और कोई भी इन्फॉर्मेशन आए उसका नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें, उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसा ही कीजिएगा आपका इंटरफेस ये ओपन हो जाएगा। जैसा ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके बाद स्टूडेंट डमी एडमिट कार्ड, सेलेक्ट कॉलेज, उसके बाद सबसे पहले आपको सेलेक्ट कॉलेज पर क्लिक करना है। स्कूल कोड डालना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर बिजी चल रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कॉलेज में आपको रोल कोड डालना है, तो हमने डाल दिया यहाँ पे रोल कोड। उसके बाद डालने के बाद आपको सेलेक्ट करना है फैसिलिटी पे, यानी कि आपका फैकल्टी क्या है, तो हमने आर्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका एग्जाम कैटेगरी पूछा गया है, तो आप कौन सा स्टूडेंट है, पहले एग्जाम दे चुके हैं वो सेलेक्ट करना, या फिर आप रेगुलर है वो, तो हम रेगुलर पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम जो है वो डालना है। तो स्टूडेंट नेम जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी हमने कर रखा था कि स्टूडेंट जो है किरण कुमारी है, तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद फादर्स नेम पूछ रहा है, तो फादर्स नेम जो है श्याम जी मिश्रा, हमने क्लिक कर रखे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि स्टूडेंट नेम हमने डाल दिए, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, जो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना है। तो देखिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको क्लिक करना है व्यू पे। व्यू पे जैसा ही आप क्लिक कीजिएगा आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा ही आपने यहाँ पे देखा होगा कि व्यू पे क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस ओपन हो गया, और यहाँ पे देख रहे होंगे किरण कुमारी, श्याम जी मिश्रा, गीता देवी, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वो भी है, और कॉलेज का नाम। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद ही आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। जैसे ही टिक किए, उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड, थोड़ा सर्वर बिजी चल रहा है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। जैसा ही डाउनलोड पे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपका इंटरफेस ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको इंटरफेस ये ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल पे जाना है, उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका स्मॉल साइज में आ गया है, थोड़ा सा सर्वर बिजी होने के कारण। उसके बाद आपको पीडीएफ पे डाउनलोड करना है। पीडीएफ पे जैसा ही हम डाउनलोड करते हैं दोस्तों, तो देखिए पीडीएफ पे हम एडमिट कार्ड लिख देते हैं, AD80 हम कर देते हैं दोस्तों, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद देखिए, सेव करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपका एडमिट कार्ड जो है यहाँ शो कर रहा है कि आपका जो स्टूडेंट नेम है जो यहाँ पे शो कर रहा है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, और जो स्टूडेंट है, सिर्फ इसमें स्कूल का जो जो है एडमिट कार्ड का यानी कि सेंटर कोड है वो नहीं बताया गया है। आप अपना त्रुटि बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट को लग रहा है कि ये नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इंटर अकेडमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू दोस्तों।